सो हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज तुम्हारे क्या तुम्हारे लेकर कतई चार वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। अगर आप मेरे चैनल में नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन दबा देना ताकि गाइस नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल जाए। सो गाइस देख सकते हो आपके सामने क्या है, ये देख सकते हो हमारे पास ये कुछ फोर लिथियम बैटरीज है जिससे हम क्या बनाने वाले हैं आपको पता चला होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मॉड्यूल दिखलाया था एक बार। ये देख सकते हो पावर बैंक मॉड्यूल है, ठीक है गाइस, जो कि टाइप सी में लेके आए हम, फास्ट जल्दी चार्ज हो जाएगा हमारा जो पावर बैंक जो बनाने वाले हैं जल्दी चार्ज हो जाएगा। अब इसके जो कनेक्शन करने वाले हैं बहुत ईजी है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है गाइस। हम इसके जो कनेक्शन करेंगे वो कनेक्शन पैरेलल में करेंगे, देख सकते हो, ठीक है गाइस। कनेक्शन बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले हम इसको जल्दी से टेप मार दें। और जो मॉड्यूल है ना ये हमारा पावर बैंक का, इसका हम एक ही मॉड्यूल लेंगे तो एक हटा देते हैं, देख सकते हो दो थे गाइस, एक हटा देते हैं, हम एक ही से इसको कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ईजी कनेक्शन है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है गाइस। अब इसके हम पहले कनेक्शन करने से पहले हमको इसके अंदर टेप लगानी है, और टेप जो है हमारे पास वो बड़ी वाली है नहीं तो हम छोटी वाली टेप लगाएंगे, सेलो टेप। उसको हमको एकदम बराबर रखना है ताकि जो हमारी बैटरीज हैं बढ़िया से सोल्डिंग हो जाए कुछ इस तरीके से। टेप लगा देंगे बढ़िया तरीके से, बैटरीज है वो पैरेलल में हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइस, पहले तो मैं सोल्डिंग ये हटा देता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्टार्टिंग से आपको बताने वाले हैं ना, तो आपको ही पता रहे कि हाँ भाई जो कनेक्शन है बहुत इजी है। पहले मैं अपनी सोल्डिंग पुरानी वाली हटा देता हूँ, भाई देखो अभी आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो इसका जो पोर्शन है इसको घिसना है, ठीक है गाइस। इसको घिसने के लिए हम ये लेंगे नहीं ये नहीं लेंगे, सबसे बेस्ट रहता है हमारा ये चिमटा है, बहुत ईजी मतलब घिस देता है आराम से। अब ये हम क्यों घिस रहे हैं इसमें बताया था आपको, ये हम इसलिए घिस रहे हैं ताकि जो सोल्डिंग है हमारी ईजीली लग जाए। वैसे तो मेटर तो हमारा पेस्ट भी करता है, अगर आपका पेस्ट बढ़िया है ना सोल्डिंग पेस्ट तो गाइस आपको घिसने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पेस्ट बहुत महंगे होते हैं। हमारे पास पेस्ट बढ़िया है लेकिन इतना खास नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल का नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा घिसना पड़ता है। तो आप भी घिस लेना अगर आपके पास पेस्ट नहीं है बढ़िया वाला कंपनी का। मेरे पास कंपनी का है लेकिन गाइस वो उतना बढ़िया कंपनी का नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर आपके पास बढ़िया वाला है तो यूज़ कर सकते हो उसको। हमारा हो चुका है भाई, अब हम लेंगे टीन वायर, देख सकते हो कनेक्शन बहुत ईजी है। पहले हम इसकी साइज की टीन वायर ले लेते हैं, ठीक है, कट कर लेते हैं इस तरीके से। कट करने के बाद हमें सोल्डिंग करनी है, सोल्डिंग करने के लिए हमें पेस्ट चाहिए। आपको चारों पर कुछ इस तरीके से पेस्ट लगा देना है, ठीक है गाइस। पेस्ट हमने लगा दिया, लेकिन मैं इसको एक बार अपनी वीडियो को जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। मैं इसके अंदर सोल्डिंग करूँगा, और सोल्डिंग करने के लिए हमें चाहिए बेस्ट सोल्डिंग वायर जो कि हमारे पास है ओरिजिनल, तो किसकी है क्या नाम भूल गया उसको, कौन सी बेस्ट वायर है गाइस सोल्डिंग वायर, ठीक है, मुझे कम से कम जरूर बताना। मेरे पास बेस्ट वाली ही है लेकिन मैं इसका नाम भूल गया हूँ।
गाइस मेरी जो आयरन मशीन है ये दिक्कत कर दी है, ये दिक्कत क्यों कर दी है मैं बताया था। इसका जो आगे का हिस्सा है ना उसको घिस लेना, अगर आपकी जो सोल्डिंग नहीं करती है ना उसको घिस लेना, जिससे जो आपकी जो सोल्डिंग वायर है आराम से पकड़ लेगा। इस पर वो जम जाता है, क्या बोलते हैं यार उसे, यार बार बार ही भूल जाता हूँ वैसे। अब जो सोल्डिंग है आपकी आराम से इजीली हो जाएगी, बढ़िया तरीके से देख सकते हो। अब देखो क्या करना है, इसकी जो सोल्डिंग बढ़िया करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड मारना। देख सकते हो गाइस इसके जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से पीछे के करने, मैं इसका कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस देख सकते हो अभी हमारे दोनों कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। ये हमने पैरेलल में कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसको मैं एक बार इसकी वोल्टेज चेक कराया था आपको, इसकी जो वोल्टेज है कितनी है, ठीक है गाइस। सो गाइस देख सकते हो ये हमारा मल्टीमीटर है जिसको हमने वोल्टेज पर चेक कर दिया है, उसकी हम पावर देखते हैं कि कितनी पावर आ रही है। तो भाई देख सकते हो हमारी फॉरवर्ड है, ठीक है, चेक करते हैं। इसमें ही फॉरवर्ड को इनपुट दे रहा है, तो देख सकते हो ये भी फोर ही है और भाई ये भी फोर है, ठीक है। अब हम उसको ऐसे चेक करते हैं, सो भाई यहाँ से ही फोर दे रहा है, ये भी फोर दे रहा है। सो भाई ये हमारी पैरेलल में रेडी हो चुकी है। सो भाई हमारी ओके रिपोर्ट में सारी बैटरीज हैं। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने पावर बैंक मॉड्यूल से, ठीक है गाइस। माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है ताकि जो मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल में शॉर्ट सर्किट ना हो, तो उसका ध्यान रख के चलें, ठीक है गाइस। इसको अभी हम साइड करते हैं और हम दो वायर लेते हैं कुछ इस टाइप की, ठीक है। मैं इसका पूरा जो मतलब आपके अभी आपको कनेक्शन दिखला रहा हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना इसी के ऊपर तो मैं इसका केस भी बनाऊंगा जेन्युइन वाला, ठीक है गाइस। मतलब यार नॉर्मली अपने हिसाब से जुगाड़ में जो होता है ना उसके लिए, सो मैं बता दूं आपको कि किस टाइप का जुगाड़ है। बाकी अभी मैं इसके कनेक्शन फिर से करता हूँ, उसको माइनस प्लस के कनेक्शन करके इसके अंदर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सोल्डिंग कर लेते हैं जल्दी से, सोल्डिंग कर ली है। अब हम इसके अंदर माइनस प्लस देख के चलना है, ठीक है गाइस। ये हमारा प्लस पॉइंट है और ये हमारा माइनस पॉइंट है, तो अभी देख सकते हो ये माइनस पॉइंट देख सकते हो, बी माइनस है इधर, ठीक है, और बी प्लस है, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस तो आपको दिखलाई दिया, इसके अंदर आपको दिख ही रहा होगा माइनस प्लस। अब सोल्डिंग करने के लिए हम इसके अंदर पहले थोड़ी सी पेस्ट लगा देते हैं ताकि जो सोल्ड है सोल्डिंग वो अच्छे से हो जाए। अब वीडियो को हम जूम कर देते हैं ताकि सोल्डिंग करते हुए आपको दिखाई दे अच्छे से। देखो गाइस ये हमारा नेगेटिव पॉइंट, ये हमारा पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव आपको देख के चलना है ताकि जो आपका जो पावर बैंक मॉड्यूल है अच्छे से वर्क करे। ये गाइस ये हो चुका है, अभी हमें दूसरे भी वायर के कनेक्शन करने हैं। सो गाइस देख सकते हो हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, बहुत आसान थे। अब इसको हम चेक करते हैं एक बार कि हमारा जो पावर बैंक है वर्क कर रहा है कि नहीं, एक बार इसको जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए एक देख सकते हो एलईडी जो कि यूएसबी एलईडी है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं गाइस, ठीक है।
बाकी अभी हम चेक कराए थे आपको ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सो गाइस देख सकते हो ये बहुत अच्छे से हमारा पावर बैंक वर्क कर रहा है और जो इसकी एलईडी है वो जल चुकी है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कम से कम जरूर बताना। गाइस ये हमारी जो इसकी जो एमएच है वो कितनी हो चुकी है ये भी मुझे आप कमेंट करके बताना। देख सकते हो 4 लिथियम बैटरी है जो कि 3.7 वोल्ट की है। ठीक है, मुझे कहा अगर आप भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये गाइस कितने एमएच की बन चुकी है हमारी लिथियम बैटरीज। और बाकी हमारा जो पावर बैंक मॉड्यूल है टाइप सी है, इसको चार्ज करने के लिए फास्ट चार्ज हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस कैसी लगी वीडियो मुझे कम से कम जरूर बताना। आई होप एंजॉय दिस माय वीडियो, फीडबैक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। लेकिन आपको मैं मोबाइल चार्ज करके भी दिखाऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहें। सो गाइस मैं एक डिवाइस लेके आ चुका हूँ, लेकिन मैं इसको सबसे पहले पूरा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको हटाता हूँ। ये मेरी ओरिजिनल डेटा केबल है, इसको मैं इसके अंदर कनेक्ट करूँगा। अब एक बार हम चेक करते हैं कि जो हमारा डिवाइस है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये कनेक्ट डिवाइस देख सकते हो हमारा डिवाइस है जो चार्ज होने लग गया है, दिख रहा है ना गाइस आपको। एक और बार दिखाता हूँ, ये देखो गाइस जो हमारा चार्ज है क्विक चार्ज आ रहा है। ब्लर हो रखी होती है ना वीडियो यार, दिक्कत आती है, दोबारा दिखाते हैं। ये देखो गाइस चार्जिंग हो रखी है, ठीक है चार्ज हो रहा है, मतलब 43% है। सो गाइस कैसी लगी जरूर बताना यार कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब गाइस, प्लीज सब्सक्राइब।